एक्सरसाइज 48 का क्वेश्चन नंबर 2 यहाँ पे है। तो 2 में यहाँ पे कन्वर्ट करने के लिए कह रहा है कॉमन फ्रैक्शन इनटू डेसिमल नंबर। यहाँ पे फ्रैक्शन दिया हुआ है और इसको डेसिमल में बनाना है, मतलब यहाँ 1 नंबर में डेसिमल दिया हुआ था और इसका फ्रैक्शन बनाना था। यहाँ पे ठीक इसका उल्टा करना है, जैसे कि इसको इस तरह से बनाना है और इसको जो है 2 नंबर को इस तरह से बनाना है। तो आइए हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। सबसे फर्स्ट में यहाँ पर दिया 1/4, तो इसको दो तरह से बताया गया बुक में, या तो आप जो नीचे डिनोमिनेटर है इसको किसी ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 1/4 है तो इसको किसी ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करना है जिसमें 10, 100 या 1000 इस तरह से आ जाए, तो आप तुरंत उसको डेसिमल में चेंज कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम लोग 4 को हम किससे मल्टीप्लाई करें कि 100 आ जाए, तो इसको हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं 25 से, ऊपर में भी 25 और नीचे में भी 25। तो यहाँ कितना हो गया, ऊपर में हो गया 25 और नीचे में हो गया 100। तो इसको जब हम डेसिमल में चेंज करेंगे तो क्या होगा कि 20 है, इससे इधर से गिनेंगे 1, 2 के बाद पॉइंट हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा 0.25। इस तरह से इसका आंसर आ जाएगा, या फिर आप डायरेक्ट इसको क्या करते हैं 4 से डिवाइड करते हैं 1 को, तो 1 तो डिवाइड होने वाला नहीं, इसमें जगह रखना है इधर, और यहाँ पर 0 पॉइंट लगाना है, फिर इसमें 0 आ जाएगा। अब हम इसको 4 2 8 यहाँ पे 8 दिए, ये 2 बची है, फिर एक 0 लगा सकते हैं, तो 4 5 20, ये देखिए यहाँ पे 20 हो गया। तो इसमें क्या हो गया, इसमें दोनों ही तरह से इसका आंसर आ रहा है, तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग इसी तरह से डिवाइड करते हुए बनाते हैं, तो इसका आंसर यहाँ पे आ गया है 0.25, ये आंसर हो गया। अब नेक्स्ट लेते हैं, इसको यहाँ पे मिटा देते हैं, इसको लेते हैं, तो अब डायरेक्ट हम लोग क्या करते हैं, इसको 3 को 5 से डिवाइड करते हैं, तो जाने वाला है नहीं, सबसे पहले पॉइंट लगाएंगे, यहाँ 0 आ जाएगा, 5 6 30 होता है, तो ये कट गया, कितना आ गया इसका आंसर 0.6। अब इसको डिवाइड करते हैं तो 8 से डिवाइड करते हैं 7। अब यहाँ पे फर्स्ट में हमको 0 पॉइंट लगाना पड़ेगा और यहाँ पे 0, तो यहाँ 70 हो गया, तो 8 8 8 जा 64 होता है, 8 8 जा 64, तो उतना ही बार में जाएगा 8 64, कितना बच गया 6 बच गया, ये कट गया, इसका मतलब है नहीं, यहाँ पे फिर 0 लगाएंगे और कितना बार में जाएगा 8 7 जा 56, तो यहाँ पे 4, ये कट गया। अब जो है यहाँ 0 आएगा और 8 5 जा 45, मतलब 40, ये पूरी तरह से कट गया, यहाँ पे कितना आ गया इक्वल टू 0.875, ये इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है, ये इसका आंसर है। अब इसको तो इसको मिटा लेते हैं, यहाँ पे 16 से हम लोगों को डिवाइड करना है 15 को, तो जाने वाला नहीं है, पहले 0 पॉइंट लगाएंगे फिर ये बड़ा होगा, तो यहाँ पे 16 16 32 16 43 16 84 16 95 16 112 16 128 16 9 144। अब यहाँ पे इतना बार में गया 6 हो गया और यहाँ पे 4 कट गया, ये कट गया, अब यहाँ पे 0 आ गया, 60 कंप्लीट नहीं होता है, 16 32 16 43 16 64 16 32 16 43 16 64 तीन बार में जाएगा, 16 48 48 होता है, ठीक है। तो यहाँ पे और यहाँ कितना हो गया 2, यहाँ पे 1, अब यहाँ पे 0 होगा, 16 13 16 84 16 96 16 112 16 112, यहाँ पे आ गया 8 और यहाँ पे ये तो लिया गया, यहाँ पे ये कट गया, फिर यहाँ पे 0, 16 32 16 64 16 85 80 होता है 5 बार में, कम्प्लीटली ये कट जाएगा, कट गया, तो इसका मतलब है कि इसका आंसर ये आ जाएगा 0.9375, ये इसका आंसर हो गया।